प्रोडक्ट्स जब प्रैक्टिकल होते हैं तो आरामदेह होते हैं, इमोशनल होते हैं तो फिर मज़ेदार होते हैं। और ये जो स्कूटर है कीवे 6300i, इसने मुझे एक काफ़ी रेट्रो वाली फील, इमोशनल अपील मुझे करती ये सवारी दिखी है। क्यों? क्योंकि इसने मुझे दो स्कूटर्स की याद दिलाई। विजय सुपर, जो मेरे बचपन का एक स्कूटर हुआ करता था, बजाज चेतक, फिर से वो बचपन का ही एक्सपीरियंस, या जब शुरू शुरू राइडिंग हमने की थी उस वक्त का एक्सपीरियंस। दिखने में मुझे विजय सुपर की याद ये दिला रहा है और चलाने में बजाज चेतक की। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ एक एलिमेंट्स सबसे पहले हम देख ही सकते हैं। सबसे खास जिस तरह का एंगुलर आपको इसमें, तो वैसे हेक्सागोनल आपको हेडलैम्प दिखेगा उसमें, हालांकि एंगुलर ही था लेकिन थोड़ा बड़ा मुझे जहाँ तक याद आता है वो नज़र आता था। ऐसे ही स्टांस उसकी सीटिंग जो थी बिल्कुल फ्लैट सी आपको महसूस होती थी। किनारे जो लाइंस थे, डिज़ाइन अगर देखें तो वैसा ही आपको महसूस होगा। ये सब कुछ एक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन चलाने में मैंने कहा कि बजाज चेतक की भी याद आई। क्यों याद आई वो हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपसे वही अपील करेंगे कि यूट्यूब चैनल अगर हमारा जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, और बाकी जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें भी प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम इस स्टोरी में नहीं डाल पाते हैं, तो वो हम उन सभी चैनल्स पर ज़रूर डालते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब चलाने में चेतक की याद आई वो तो मैं आगे बताऊंगा। विजय सुपर क्यों याद आई उसके लिए कोशिश करूंगा, कोई इमेज अगर मिल जाए तो हम उसे स्टोरी में यूज़ करें। लेकिन फिलहाल इसके इस हेडलैम्प की बात करूँ जो सबसे शायद चेहरे के हिसाब से सबसे प्रोमिनेंट एलिमेंट है। वैसे आपको रेट्रो सा डिज़ाइन दिख रहा होगा, इसे मैं जब ऑन करता हूं, तब आप देखेंगे कि ये जो एक्स टाइप का जो शेप बनता है TVS की थोड़ी याद आती है, लेकिन ये ज़रूर बताता कि हाँ ये काफ़ी मॉडर्न ये सवारी है। और ये लाइट का जो एलिमेंट है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट इसे लुक ज़रूर देता है। ओवरऑल लाइंस और शेप्स जो हैं वो मुझे काफ़ी यहाँ पर रेट्रो टाइप की फील ज़रूर देते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं थोड़े थोड़े डिटेल्स हैं थोड़े से मिक्स किए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार मुझे नहीं लग रहा है। अगर हम इस बैजिंग की ही बात करें, वहाँ जिस तरह के फॉन्ट हमने 60s में इस्तेमाल होते हुए देखा है, वहाँ पर जो इनका लोगो या बैजिंग है वही थोड़ा सा मिसमैच सा नज़र आता है। जिस तरह के लाइट्स या रिफ्लेक्टर आपको यहाँ इस्तेमाल होते हुए दिख रहे हैं वो थोड़े से और प्रीमियम हो सकते थे। जो मटेरियल है वो आपको ठीक ठाक सॉलिड सा ही लगेगा। और ये एलिमेंट आई एम नॉट टू श्योर ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, बट समहाउ ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, रेट्रो फील को थोड़ा सा हल्का करता नज़र आ रहा है। और जो सीट है वो भी जैसे हमने कहा कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, यहाँ हल्का सा आपको कंट्रोल नज़र आएगा। ये दो स्टेप में सीट दिया गया राइडर के लिए और पिलियन के लिए अलग अलग। मेरी हाइट के लिए मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर बहुत लंबे हैं तो शायद ये जो कंटूर है वो आपको हल्का सा बिल्कुल टेल बोन को यू नो नॉक करता हुआ नज़र आएगा। हेलो अंदर, तो उस टाइप से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन आई गेस एवरेज हाइट के लिए ये आपको कम्फर्टेबल सीटिंग भी लगेगी और जो साइज़ है वो भी आपको कम्फर्टेबल लगेगा। और इस सीट के नीचे जो स्टोरेज है उसे एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इस चाबी को आप पुश करेंगे, फिर राइट घुमाएंगे और ये सीट खुल गई और जगह जो है वो आपको काफ़ी इसमें नज़र आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ अपना हेलमेट इसमें फिट करने की जो फुल साइज़ है। ओके, ये फुल साइज़ हेलमेट तो इसमें फिट नहीं हुआ, देखते हैं कुछ और सामान का। ओके, तो फुल साइज़ जो फुल फेस हेलमेट होता है वो तो इसमें नहीं फिट हुआ, लेकिन आई गेस स्कूटर्स के साथ आमतौर पर जो ओपन फेस वाला हेलमेट होता है वो आपको इसमें अटता हुआ दिखाई देगा। साइज़ में मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल है, अगर आप सामान ग्रोसरीज वगैरह भी लेके आना चाहते हैं या अपना कॉलेज बैग या अपना बैकपैक रखना चाहते हैं, आई थिंक द साइज़ इज़ ओके अगर हेलमेट का साइज़ आपका थोड़ा छोटा है तो। इसके अलावा इसी की से आप एक और चीज़ खोल सकते हैं और वो थोड़ी सी आपको अलग सी नज़र आएगी, और वो है जब आप इस की को राइट घुमाते हैं तो नीचे आपको ये फ्लैप खुलता हुआ नज़र आता है जहाँ से आप फ्यूल भरवा सकते हैं। तो एक फ़ायदा तो ये है कि फ्यूल पंप के ऊपर आपको उतरना नहीं पड़ेगा यू नो फ्यूल भरवाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा
अटपटा सा ये प्लेसमेंट मुझे लगा। पैनल की अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बहुत ज़्यादा सॉलिड मुझे वो नहीं लगा है, बट फिट ठीक है, तो उसमें कोई भी क्लटर की आवाज़ मुझे अभी तक तो नज़र नहीं आई। लेकिन वही है कि हम इसे एक या दो दिन के लिए चलाएंगे, लॉन्जिविटी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, इसके बारे में अभी बहुत अच्छे से नहीं बता पाएंगे। दिखने में कैसी है, फीचर्स क्या क्या है और राइडिंग में कैसी है, ये सब हम आज बता सकते हैं। तो अब इस पैनल के बाद हम बात करते हैं और फीचर क्या है। तो और फीचर आपको इस लेफ्ट वाले पैनल में देखने को मिलेगा, जिसमें लेफ्ट पैनल के ऊपर जब नजर डालें तो पता चलेगा कि इसमें आपको एक USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। और यस, यू कैन कीप योर फोन एज वेल, यहाँ पे जगह है आपके फोन को रखने की। सो रेट्रो भी है और मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट्स हैं लगभग वो भी सभी पूरी करता है ये स्कूटर। कीवे 60 300i। अब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं, और ये जो हिस्सा है समहाउ ये इस बाकी जो खूबसूरती है उसके साथ मैच करता है वो मुझे उतना नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही बेसिक सा आपको इसमें स्पीडो देखने को मिलेगा, जो ग्राफिक्स या जो डिज़ाइन बना हुआ है वो आपको काफ़ी बेसिक लगेगा। इसके अलावा एक स्क्रीन आपको बीच में दी गई है जिसमें टाइम है, ओडो है, फ्यूल गेज है, टेम्परेचर है, इंजन वार्निंग है, ये सब आपको देखने को मिलेगा और जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा लाइट और इंडिकेटर के जो सिग्नल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ABS इसमें फिट है, ऑब्वियसली 150 से ऊपर की ये सवारी है। और इसी मौके पर आपको याद दिला दें कि इसमें लगा हुआ जो इंजन है वो 278 cc का है, लगभग 18 BHP के आसपास की ताकत, लगभग 22 Nm का टॉर्क है। और ये जो फिगर है किसी स्कूटर में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तो मुझे वही लग रहा था। आमतौर पर जो हम 9, 10, 11, 12 BHP वाले स्कूटर चलाते हैं, वहाँ पर इसका प्रदर्शन कैसा होगा ये मैं आगे बताऊँगा आपको, लेकिन ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि हाँ, काफ़ी मज़ेदार वो था। इसके अलावा यहाँ पर आप बटन्स देखें, क्वालिटी ठीक ठाक है, फिनिश भी ठीक ठाक लगेगी, और जो मिरर्स हैं वो भी सॉलिड से ही महसूस मुझे हो रहे हैं। हाँ, सामान रखने के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा कैरियर है, और ये एक फील जो है वो आपको रेट्रो वाली देता ही है। और यहाँ पर एक एलिमेंट मुझे वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, जहाँ पर डिज़ाइन तो रेट्रो वाला है लेकिन इसमें LED पैनल आपको देखने को मिल रहा है, LED लाइट्स, और वो इसे काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। जो इसके टेल लैम्प का डिज़ाइन है, आई रियली लाइक इट। अगेन, जो बैजिंग है उसे भी किसी रेट्रो फील या रेट्रो फॉन्ट में दिया जाता तो शायद खूबसूरती और बढ़ती। तो एक मिक्स एंड मैच है लुक के हिसाब से, रेट्रो फील है लेकिन बड़े सारे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेट्रो महसूस नहीं होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े से मैच करते नज़र नहीं आते, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसे लेके सड़क पर जाएँ तो नज़रें घूमेंगी, सर घूमेंगे, लोग इसे नोटिस करेंगे, और मुझे लगता है कि इसे खरीदने का एक मकसद तो वो भी ज़रूर होगा। अब बात करते हैं इस कीवे 60 300i के उस एस्पेक्ट के बारे में जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मिक्सअप नहीं है, और वो है इसकी राइड क्वालिटी। वहां मैं ये ज़रूर कहूंगा कि सबसे मज़ेदार स्कूटर्स में से एक मुझे ये लगी है। और अगेन, मैंने एक ही दिन चलाया है और उसके हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 महीने के बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, लेकिन राइट नाउ व्हाट आई कैन टेल यू इज़ कि जो इसकी राइड है और हैंडलिंग है, जो इंजन परफॉर्मेंस है, तीनों का कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी सुपर डुपर लगा है, काफ़ी एक्साइटिंग लगा है। 6 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, वहाँ पर मैं इसकी रिलायबिलिटी और एंड्योरेंस के बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि अभी बहुत ही छोटे वक्त के लिए मैंने इसे राइड किया है, लेकिन जितने देर मैंने राइड किया है वहाँ पर इसके इंजन का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव आपको नहीं लगेगा, सिटी ट्रैफिक के लिए बहुत ही शांत आपको ये परफॉर्मेंस लगेगा, एनफ है पावर, आई मीन वहाँ पर आपको पावर की कमी नहीं लगेगी, लेकिन एक वो छुपे हुए एजेंट की तरह, स्लीपर सेल की तरह, जो ये प्रोडक्ट अचानक से जब आप RPM ऊपर लेके जाते हैं तब जब ये स्पीड पकड़ती है, और मेरे 100 kg के आसपास का वज़न लेके भी ये
100 का स्पीड टच करने में वक्त नहीं लगा रहा था स्कूटर, और ये बहुत ही इंप्रेसिव मुझे लगा। शुरुआत में थोड़ा सा मेलो, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ सर्रार। सो इसका इंजन जो है वो तेज़ रफ्तार के लिए तैयार रहा मुझे महसूस होता है, क्योंकि जब मैं आइडल कर रहा था, ट्रैफिक लाइट पर खड़ा था, तो वहाँ पे जो इसकी रंबलिंग थी थोड़ी ज़्यादा थी, इट वॉज़ नॉट वेरी कम्फर्टेबल। लेकिन जब आप इसे एक्सीलरेट करते हैं, जिस तरीके से भागती है, वहाँ पे मुझे ये बहुत ही एक्साइटिंग सवारी लगी, मज़ा आ गया, और उसी वजह से मुझे चेतक याद आई थी। पावर भले ही उसकी कम थी, लेकिन उसमें एक यू नो वल्नरेबिलिटी के साथ एक एक्साइटमेंट मुझे ज़्यादा मिलता था बजाज सुपर के मुकाबले, और ऐसा ही कुछ एक्साइटमेंट मुझे इसमें मिला, जहाँ पर एक स्कूटर है, छोटे पहिए हैं, बनावट इसकी यू नो वैसी नहीं है जैसे मोटरसाइकिल्स होते हैं, लेकिन बावजूद इसके 100 का स्पीड टच करने में इसने वक्त नहीं लगाया, और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये आगे जाती नजर आ रही। जी हाँ, हैंडलिंग के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल चिपक के जा रही थी ये, और वहाँ पे मेरा वजन हो, तेज़ हवा हो, इन सब से इस स्कूटर को दिक्कत नहीं हुई, तो हैंडलिंग के मामले में मुझे काफ़ी पसंद आई। सस्पेंशन अगेन रिजिड थोड़ा सा ज़्यादा है, आम कम्यूटिंग में अगर आप इसे इस्तेमाल करें वहाँ पर सस्पेंशन थोड़ा सा और सॉफ्ट आप शायद एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आई गेस जो राइड क्वालिटी थी उस हिसाब से मैं शिकायत शायद नहीं करूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे हल्का सा ज़्यादा रिजिड ज़रूर महसूस हुआ था। आखिर में वही वर्ल्ड फेमस सवाल है नोएडा की, बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु विश्राम करती है आपको अगर कूल लुकिंग, रेट्रो लुकिंग, तेज तरह स्कूटर चाहिए, आप स्टेटमेंट एक अलग तरह का देना चाहते हैं जहाँ पर लोगों को पता ना चले लेकिन अचानक से आप तेज तरह तरीके से भाग जाएं, तो फिर ये स्कूटर आपके लिए होगा। हाँ, मैसेजिंग थोड़ी सी मिक्स अप है, डिज़ाइन एलिमेंट्स थोड़े से मिलते जुलते हैं, बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ओवरऑल सिल्वेट, ओवरऑल शेप, ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी कूल, काफ़ी रेट्रो लगता है, परफॉर्मेंस इसका काफ़ी मज़ेदार लगता है। हाँ, सिटी राइडिंग यू नो ग्रोसरीज लाने के लिए ऐसा वाला जो स्कूटर आप चाहते हैं शायद वहाँ पर आपको मज़ेदार नहीं लगे, लेकिन अगर आप तेज़ तर्रार सवारी पसंद करते हैं तो ये सवारी आपके लिए हो सकती है, लेकिन वहाँ पे पेंच फंस रहा है इसकी कीमत को लेकर, और ये प्राइस मुझे थोड़ी ज़्यादा एक स्कूटर के लिए अभी भी लग रही है। भले ही कूल है, भले ही चलाने में मज़ेदार है और एक्साइटिंग, और जैसे मैंने कहा इमोशनल प्रोडक्ट है, तो आपको कैसी लगी सवारी ये स्टोरी, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, बाय तथा बाय।